नमस्कार, मैं अभी प्रेस क्लब रामगढ़ के ऑफिस में यहाँ पे हूँ और आज 1 मई मजदूर दिवस के साथ साथ आज हमारे प्रेस क्लब रामगढ़ की आज पहला मतदान यहाँ पे आज किया जा रहा है। और ऐसे में देख सकते हैं कि आज यहाँ पे मतदान देने के लिए पत्रकार भाई बंधु आज यहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं और अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इसी बीच में आइए मिलाते हैं दैनिक जागरण के हमारे पत्रकार बड़े भैया दिलीप भैया से। भैया, आज यहाँ पे पहली बार प्रेस क्लब रामगढ़ का चुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में, पूरी पारदर्शिता के साथ में प्रेस क्लब रामगढ़ का चुनाव यहाँ पर हो रहा है और पहली बार मतदान हो रहा है रामगढ़ जिले में। बहुत गर्व की बात है कि यहाँ सभी पत्रकार पूरे उत्साह के साथ इस उत्सव में शामिल हुए हैं और लगभग अभी तक जो सुबह 9:30 बजे से जो वोटिंग शुरू हुई है, अभी करीब 125 वोट हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि निर्धारित समय जो 2:30 बजे है उससे पहले ही काउंटिंग खत्म होगी और चुनाव का जो भी परिणाम आएगा बहुत ही सुखद होगा। एक अच्छी भविष्य का नींव रखने का प्रयास सभी पत्रकार मिलकर कर रहे हैं और जो भी जीते उसका स्वागत है इस प्रेस क्लब में और हम लोग अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद। भैया ने बहुत काफ़ी कुछ कर दिए हैं तो आइए हमारे बड़े भैया दिलीप भैया भी हैं, जिनसे भी जानेंगे कि आज जो यहाँ पे पहला बार जो किया जा रहा है प्रेस क्लब का जो यहाँ पे आज मतदान आज हो रहा है पहली बार दिलीप भैया देख सकते हैं हमारे साथ में बड़े भैया दिलीप भैया हैं, प्रत्याशी भी हैं और हमारे प्रत्याशी भी हैं भैया। आज बहुत अच्छा आज का जो माहौल है ये बिल्कुल ही हम लोगों के भाग्य और भविष्य को बनाने के लिए कोशिश की जा रही है और जो विपरीत परिस्थितियों में पत्रकार जीने को मजबूर होते हैं उन सबको फिल्टर करने की एक कोशिश की जा रही है, जिसके तहत एक ऐतिहासिक दिन है और आज का दिन जो है सुनहरे पन्नों में पत्रकारों के जीवन के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि आज ही ऐसा दिन मिला है जो पत्रकार जो लोगों के पक्ष लोगों के लिए मतदान करवाने का काम करते थे, लोगों के लिए प्रचार प्रसार करते थे, आज कुछ दिन तक लगातार प्रचार प्रसार किए और आज अपने लिए यहाँ पर खड़े अपने पक्ष में मतदान करने, मैं भी एक प्रत्याशी हूँ कार्यकारिणी के रूप में, सबसे अंतिम नंबर है मेरा 15 नंबर। और हम एक चीज़ आपको बहुत छोटे शब्द में कहेंगे कि आज मजदूर दिवस है और हमारी हालात जो है मजदूरों ही वाली है, हम भी मजदूर हैं, लेकिन जो चौथे पिलर का हम लोगों के अंदर में जो गुमान है ना कि वी आर द फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप इतिहास संविधान के पन्नों को पलटेंगे ना तो आप कहीं भी वहां पर नहीं है, क्योंकि संविधान लिखित संविधान जो है उसमें पत्रकार कहीं पर भी नहीं है। इसको लाने के लिए हमारी लड़ाई होगी, इसके लाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे आगे। प्रेस क्लब रामगढ़ का पहला चुनाव है और 210 मतदाताओं को अपने मत का उपयोग करना है। सुबह 9:30 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और अभी लगभग 11 बजे हैं और अभी तक करीबन 125 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग कर लिया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से रुझान बहुत अच्छा है और 100% मतदान होने की संभावना है। मतदान का समय सुबह 9:30 बजे से 2:30 बजे तक का है, उसके बाद 3:30-4 के बीच में हम मतगणना की प्रक्रिया शुरू करेंगे। मतदान बहुत शांतिपूर्ण से चल रहा है और प्रेस क्लब के सभी सदस्यों द्वारा बहुत ही बढ़िया ढंग से चुनाव समिति को सहयोग किया जा रहा है। हमारी अपेक्षा से ज़्यादा सहयोग पत्रकार बंधुओं से हमें मिल रहा है। धन्यवाद सर। हमारे चुनाव आयोग के निर्वाचन अधिकारी आनंद अग्रवाल की ओर से हम अच्छी बातें कहेंगे कि ये जो चुनाव है काफ़ी अच्छा चल रहा है, शांतिपूर्ण चल रहा है और हमारे बड़े भैया जो कि अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भी हैं बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया और होना बहुत जरूरी था और लोग बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं और उत्साहित है मतदाता। सबसे बड़ा बात है कि चुनाव होने से प्रेस क्लब के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और बढ़ चढ़ के लोग मत कर रहे हैं और हमें 2 प्रत्याशी हैं लेकिन हम लोग एक पत्रकार हैं, पत्रकार टीम बनकर वोटिंग करा रहे हैं और उम्मीद है कि लोगों का आशीर्वाद प्यार सहयोग भी हम लोग को मिलेगा। धन्यवाद भैया। और जैसा कि अभी हमने कहा कि आज पहली बार यहाँ पे प्रेस क्लब रामगढ़ में पहली बार ये मतदान की प्रक्रिया की जा रही है और काफ़ी अच्छा कदम है ये। हर पत्रकार ये चाहता था कि चुनाव हो और एक ऐसा उम्मीदवार हो उस पूरे संगठन को लेके चले।
चुनाव आज पहली बार हुई है, शुरू हुई है, शांतिपूर्ण ढंग से ही की जा रही है। निश्चित तौर से चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से भी हो रहा है और प्रेस क्लब के स्थापना के आज 3 साल बाद पहली बार ऐसा मौका मिला है जब लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसको लेकर के हैं कि तमाम प्रेस क्लब के सदस्यों में भी उत्साह का माहौल है और जो परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन जो सबसे सुखद पहलू रहा पूरे चुनाव के दौरान कि सारे पत्रकार एक दूसरे से एक प्रेम संबंध में बंधे हैं, एक दूसरे के बीच नज़दीकियाँ उनकी आई, जो ये नज़दीकियाँ भविष्य में प्रेस क्लब को एक नई मुकाम हासिल कर सकती है। धन्यवाद बड़े भैया। तो इसी तरह से आज 1 मई को यहाँ पे प्रेस क्लब रामगढ़ में जो आप देख रहे हैं, सभी जितने भी पत्रकार भाई बहन आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं, अपने मतदान का प्रयोग के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतदान करने के लिए आए हुए हैं।